यहाँ पर डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर कि लाइट आईसी 6 लेग का लाइट आईसी होता है, तो ये एक नंबर लेग होता है स्विचिंग का, समझे, और एनेबल करने का दो नंबर लेग होता है, कितना नंबर लेग, दो नंबर लेग, और तीन नंबर लेग जो यहाँ से VPH इसमें इन होगा, डीसी वोल्टेज इसमें इन होगा, और स्विचिंग के लिए भी यहाँ से एक बूस्ट कॉइल लगा करके इन होगा। ये हो जाएगा आपका तीन नंबर लेग, ये हो जाएगा चार नंबर, ये हो जाएगा पांच नंबर, और ये हो जाएगा छह नंबर। हम यहाँ पर देखेंगे ये डिस्प्ले जैक पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर हमको जब बैटरी की इनपुट लगाते हैं लगा करके चेक करेंगे, सेट ऑन करने की जरूरत नहीं, हम बैटरी को इनपुट करेंगे बैटरी कनेक्टर में और एक ट्रेसिंग करेंगे, और यहाँ पर हम बैटरी का जो वोल्ट होगा 4.0 वोल्ट के लगभग या 4.2 वोल्ट के लगभग यहाँ पर बताए चेक करेंगे। यहाँ पर ये एक एनोड का लाइन है, इसमें सीरीज रूप से डायोड लगा होता है। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर 4 वोल्ट चेक करेंगे और ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड हम देखेंगे FB लाइन से, यहाँ पर एक पोल से रेजिस्टर लगा करके इसको ग्राउंड कर दिया गया, क्या कर दिया गया, इसको ग्राउंड कर दिया गया, और यही लेग लेग कैथोड लेग जा रहा है कहाँ पे, डिस्प्ले जैक, और एनोड लेग भी जा रहा है डिस्प्ले जैक। और यहाँ पर हम देखेंगे PWM जो यहाँ पर है, यहाँ पर एनेबल सिग्नल यहाँ पर इनपुट होगा, जब यहाँ हम जैक लगाएंगे तब ये इसको मालूम, आईसी को मालूम चल जाए कि हमें डिस्प्ले लग चुका है, और ये सिग्नल ये EN सिग्नल बन जाए, यहाँ EN सिग्नल आएगा, तब जाकर के आपका ये आईसी बूस्ट वोल्ट बनाएगा। या कैसे बूस्ट वोल्ट बनता है ध्यान देंगे, यहाँ पर तो 3.7 वोल्ट ही आएगा या 4.2 वोल्टेज VPH मिल रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर कितना मिला 4.2 VPH, जितना भी लाइट आईसी लगा होगा अलग से उसमें VPH वोल्ट आएगा, समझ रहे, जो 4.2 का वोल्टेज ये आएगा तब जाकर के वर्किंग होगा। तो VPH वोल्ट इसको मिला कौन कौन सा नंबर लेग पे, एक नंबर और तीन नंबर लेग पर इसको VPH, और बीच में एक बूस्ट कॉइल लगाया गया। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब ये सिग्नल देता है यहाँ पर ऐसे सिग्नल बनता ध्यान दें फ्रीक्वेंसी बनता है, जब डायोड के बाद जाएगा तब ऐसे वोल्टेज बन जाएगा। अब यहाँ पर वोल्टेज क्या बनेगा, एनोड वोल्टेज बन जाएगा, कौन सा वोल्टेज बन जाएगा, एनोड वोल्टेज बन जाएगा, जो यहाँ पर 30 वोल्ट से लेकर के 55-56 वोल्ट तक बनता है। जब हम लोग बढ़ाते घटाते हैं ना लाइट को क्या करते हैं, तो 15 वोल्ट से लेकर के 30-35-40-50 वोल्ट तक बनता है हर जगह। तो जितना वोल्ट हम बढ़ाएंगे तो इससे ये सेंस कर लेगा, क्या कर लेगा, इससे सेंस कर लेगा, और ये रीसेट वोल्ट होता है, हमेशा डिस्प्ले को रीसेट करते रहता है 1.8 वोल्ट से, ये अलग से CPU से रीसेट होते रहता है। और यहाँ पर PWM से इसको एनेबल सिग्नल मिलते रहेगा कि इसमें लग गया है, और तब ये वोल्टेज बना करके देगा। बूस्ट कॉइल कब खराब हम लोग समझते हैं, तो बूस्ट कॉइल जब लाइट ब्लिंक करेगा, लाइट क्या करेगा, ब्लिंक करेगा, लाइट डिस्प्ले पर कम देगा, और एक बार आएगा लाइट दोबारा नहीं आएगा, कम जान रहे हैं कि बूस्ट कॉइल का काम है बूस्ट वोल्टेज बना देने का। ये बूस्ट कॉइल बूस्ट वोल्टेज बना करके इसको स्विचिंग करवाता है, क्या करवाता है, यहाँ पर देखिए स्विचिंग करवा रहा है इस आईसी, स्विचिंग करवाएगा, और एक डायोड के थ्रू, डायोड यहाँ सीरीज रूप से लगा हुआ, लाइट सेक्शन में ही एक डायोड लगा होता है जो कि सीरीज होता है कि दोनों पोल जी आ रहेगा, और जितना भी डायोड लगा होता है वो जीनर डायोड लगा रहता है VPH और VDAC में, वो पैरेलल रूप से लगा होता है, लेकिन लाइट सेक्शन में सीरीज रूप से डायोड लग करके यहाँ पर वोल्टेज सिक्वेंस वोल्टेज है, और यहाँ पर DC वोल्ट बना करके एनोड वोल्टेज बना करके और वोल्टेज बढ़ा करके देगा यहाँ से। लेकिन हम लोग ये जानेंगे इसको फाइंड कैसे करेंगे, ट्रेसिंग कैसे करेंगे, इसका ट्रेसिंग करेंगे एनोड लेग पर बैटरी लगाते ही 4 वोल्ट अगर आ जाता है तो आपके लाइन में ये सारा सर्किट ओके है,
इसीलिए 4 वोल्ट के लगभग जो बैटरी का वोल्टेज है यहाँ पर मिल रहा है। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है बैटरी को लगाते ही, तो आपका भी पीएच लाइन ओपन, क्या है कौन सा लाइन ओपन है, ये क्वाइल ओपन हो सकता है। हम यहाँ पर जम्पर करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, क्वाइल अगर ओपन होगा, ये नॉर्मल क्वाइल लगा है या बूस्ट क्वाइल, ये दोनों सीरीज रूप से लगा, इसमें हम जब ये लाइन पर वोल्टेज नहीं आता है एनोड वोल्टेज, तो हम वीपीएच लाइन या इसमें सीरीज कंपोनेंट्स जो लगा हुआ है वही ओपन होता है, या तो ये हो जाएगा ओपन या ये हो जाएगा ओपन, नहीं आएगा वहां पर वोल्टेज, यहाँ पर नहीं आएगा। अगर मान लीजिए ये ओपन ऐसे करके हो जाए तो यहाँ पर वोल्टेज आएगा, वोल्टेज नहीं आएगा। आप समझ जाएंगे वोल्टेज से ट्रेस करके ये लाइन ओपन है या शॉर्ट है। अगर शॉर्ट होगा तो एनोड लेग के आगे में कैपेसिटर है, ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, कितना वोल्ट का होता है 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा, लाइट नहीं जलेगा, सारा वोल्ट यहाँ शॉर्ट होगा, डायोड ये आईसी हीट होगा, क्या क्या हीट होगा, यहाँ पर किस पे लोड है, डायोड पे, बूस्ट कॉइल पे, ये सब हीट होने लगेगा। हम समझ जाएंगे अगर बोर्ड को हम इस लाइन को हम छू करके एहसास करते हैं, अगर हीट करता है तो हम 100% जानते हैं कि पैरेलल कंपोनेंट्स ही शॉर्ट होता है। तो पैरेलल कंपोनेंट्स जितना भी एनपीसी यहाँ पर लगा होगा, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर वीपीएच लाइन में, वो सब चेक किया जाएगा, और 50 वोल्ट का कैपेसिटर हम लाइट सेक्शन से ही लगाएंगे। बूस्ट कॉइल 10 हेनरी का होता है, हम बूस्ट कॉइल जहां भी लगाएंगे वो कहां से निकाल कर लगाएंगे, लाइट सेक्शन से निकाल के लगाएंगे। लगभग और मोबाइल का बूस्ट कॉइल 10 हेनरी का होता है, कितना हेनरी का होता है, 10 हेनरी का मोबाइल का बूस्ट कॉइल होता है, उतना बूस्ट कॉइल ही वहां पर लगाना होगा, तभी वहां पर बक कॉइल लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो बूस्ट कॉइल हम निकाल करके बीप रेंज में चेक करते हैं, किस रेंज में चेक करते हैं, बीप रेंज में चेक करते हैं, अगर बीप आता है तो उसको ओके स्थिति में रखते हैं, अगर बीप नहीं आता है तो वो लाइन ओपन, क्या है वो लाइन ओपन है, ये इसको हम बूस्ट कॉइल चेंज करेंगे। अगर बीप आ रहा है फिर भी इसको 200 ओम में चेक करेंगे तो बूस्ट कॉइल 1.2 से 1.9 के लगभग अगर आता है तो बूस्ट कॉइल को ओके मान लिया जाता है। बूस्ट कॉइल को चेक किए, बूस्ट कॉइल मेरा ओके है, हम उसके बाद डायोड का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। डायोड एक तरफ से चलता है और एक तरफ से फॉरवर्ड बार चलता है और रिवर्स बाइज नहीं चलता है, तो डायोड के उसके लिए भी चेक करेंगे। तो डायोड अगर ओके होगा तो एक तरफ से चलेगा और एक तरफ से नहीं चलेगा, तो डायोड को भी चेक करेंगे। और यहाँ पर जीआर भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि हम हॉट ट्रेसिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ कोल्ड ट्रेसिंग से काम कर रहे, तो कोल्ड पर यहाँ पर जीआर आएगा, यहाँ पर जीआर आएगा, यहाँ पर जीआर आएगा और यहाँ पर जीआर। अगर मान लीजिए कि जीआर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो 1.8 का कटा हुआ है रीसेट वोल्टेज, जैसे ब्लैक बोर्ड पर बार बार चीज हम लिख दे, इसको रीस्टार्ट साफ नहीं कर लेते हैं, ये इस पर दिखाई नहीं देगा, तो वैसे ही डिस्प्ले को हमेशा रीस्टार्ट करके और डिस्प्ले का ग्राफिक्स चेंज होते रहता है हमेशा, और सिर्फ इसका काम है डिस्प्ले के बैकग्राउंड लाइट को हमेशा जलाते रहने के लिए, उस पर जो व्यू बन रहा है, ग्राफिक्स जो बन रहा है वो डिस्प्ले हो सके, हमको दिख सके। और जितना अगर वोल्टेज यहाँ पर बढ़ेगा, मतलब लाइट को कम करेंगे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट, लाइट को ज्यादा बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट, 25 वोल्ट, 50 वोल्ट तक बनता है। तो हम यहाँ पर ये चीज चेक कर लिए, अब हम इसको ओपन के लिए कब चेक करेंगे, जब यहाँ जीआर नहीं मिले, जब यहाँ पर आपको जीआर नहीं मिलता है तब हम ओपन के लिए सीरीज कंपोनेंट्स को ही चेक करते हैं। अगर यहाँ शॉर्ट मिल जाता है कोल्ड ट्रेसिंग से तो पैरेलल कंपोनेंट्स, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ज्यादा से ज्यादा खराब होता है, इसमें खराब होने वाला चीज हम लोग जानेंगे। देखिए सारा लोड ये कैपेसिटर उठाता है, 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है, ये कैपेसिटर खराब होगा तो कहीं से अगर आप कैपेसिटर लगा देंगे तो काम नहीं करेगा, तत्काल के लिए करेगा, जब ये उसको बढ़ाएंगे ही टू के शॉर्ट हो जाएगा। तो 50 वोल्ट का कैपेसिटर लाइट सेक्शन में ही आपको आउटपुट में एनोड लाइन में ही मिलेगा, समझिए। उसके बाद आपको डायोड को चेक करना है, बूस्ट कॉइल को चेक, खराब होने का चीज क्या, कैपेसिटर शॉर्ट होगा लोड बढ़ने से, डायोड खराब होगा, ये बूस्ट कॉइल खराब होगा, ये नॉर्मल कॉइल खराब होगा, ये आईसी खराब होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ईएन सिग्नल, यहाँ पर क्या है, ईएन सिग्नल, और यहीं पे सिग्नल
ईएम सिग्नल यहां से जुड़ करके 1.E से कंट्रोल हो जाता है। तब ये 1.8 इस पर आएगा, तब ये आईसी क्या करेगा, जैसे कि इसको मान लिया कहीं अलग से भी दिया जाता है कि इस वोल्ट को हम अलग से 1.8 करेंगे, एनेबल सिग्नल किससे मिलेगा, तब पीएम से, किससे मिलेगा, पीएम से, इसको हम क्या बोलेंगे, ईएम सिग्नल, क्या बोलेंगे, ईएम सिग्नल। अगर इससे होते हुए जब डिस्प्ले लगाएंगे तो ये दोनों शॉर्ट होकर के ईएम सिग्नल बना लेता है, ये 1.8 आउटपुट हो जाता है, लेकिन अलग से भी इसको एनेबल सिग्नल मिलता है जो पीएम से मिलता है, कितना वोल्टेज मिलता है, 1.8, कितना मिलता है, 1.8 वोल्टेज इसको मिलेगा, और तब ये आईसी होम। अगर सारा सब चीज सब ओके है, कोई चीज दिक्कत नहीं और फिर भी लाइट नहीं दे रहा है, इस आईसी को एनेबल सिग्नल नहीं है, इस आईसी को एनेबल सिग्नल 1.8 का सिग्नल नहीं मिल रहा। अगर 1.8 का सिग्नल इसको नहीं मिलेगा, ये बूस्ट वोल्ट नहीं बना पाएगा, ये आईसी स्विचिंग नहीं कर पाएगा, आईसी स्विच स्विचिंग वोल्टेज है, यहां से ऑन ही नहीं हो पाएगा आईसी। तब यहां पर डायोड का काम होता है, ये जो सिग्नल वोल्ट है उसको डीसी में बना करके, और इधर जो वोल्ट होगा और इधर दोनों वोल्ट में अंतर, इधर आपको कम वोल्ट मिल सकता है लेकिन इधर आपको वोल्ट ज्यादा मिले, इसलिए कि यहाँ डायोड एम्पियर को बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है, एम्पियर को बढ़ा देता है। हम यहाँ पर देखेंगे इसका कैथोड लाइन को चेक करेंगे, कैथोड लाइन ये अगर ये अगर रजिस्टर, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर कोई वजह से अगर ओपन हो जाता तो कैथोड लाइन खराब हो जाएगा और लाइट कभी नहीं आएगा। ये जितना भी एलईडी लगा हुआ है डिस्प्ले के अंदर वो सब सीरीज एलईडी लगा हुआ, कौन सा एलईडी लगा हुआ, सीरीज एलईडी लगा हुआ, और सीरीज एलईडी में सिर्फ दो लेग हो, एक एनोड और एक कैथोड, ये हो जाएगा एनोड लेग और ये हो जाएगा कैथोड लेग, ये सब डिस्प्ले के अंदर एलईडी लगा होता है, किसके अंदर लगा होता है, डिस्प्ले के सबसे नीचे वाला भाग में एलईडी लगाओ, ये अगर 3 वोल्ट खर्च करता है तो प्लस 3 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 बराबर कितना हो जाएगा, कितना वोल्ट हो जाएगा, 18.0 वोल्ट की आईसी जब तक नहीं बनाएगा, बैटरी के मेरे मोबाइल के अंदर 3.7 से 4.2 वोल्ट का, लेकिन ये लाइट आईसी बूस्ट कॉइल और ये डायोड मिल करके ये बूस्ट वोल्टेज जनरेट करता है और ये स्विचिंग करके वोल्टेज देने का काम करता है। अगर कोई भी इस लाइन में आईसी का कोई भी प्रिंट भी खराब हो जाए तो नहीं आएगा, और कोई अगर एक लेग भी कट जाए या कोई एक एलईडी खराब हो जाए तो कहीं लाइट नहीं आएगा। देखिए हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं, हम लोग लाइट डिस्प्ले पे नहीं आते तो सबसे पहले हम लोग एक डिस्प्ले लगा करके मार्केट में देखते, इस पे काम करने से पहले हमको ये मालूम करना है कि मेरे लाइट आईसी सेक्शन में दिक्कत है या डिस्प्ले में दिक्कत है, मेरे बोर्ड में दिक्कत है या डिस्प्ले में दिक्कत है। अगर एक लाइट एलईडी डिस्प्ले का एक एलईडी ओपन हो जाए पर नमी के कारण या कोई भी कारण फिजिकल डैमेज से पानी जाने कारण एक ओपन हो जाए, ये ओके होने के बावजूद आपका लाइट नहीं आएगा डिस्प्ले में, क्या नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर मार्केट से जा करके उसको लगा करके चेक कर लेंगे, अगर वहां पर भी होल्डर नहीं आ रहा है तब 100% आपके लाइट आईसी में या तो शॉर्टिंग हो गया है नहीं तो लाइन ओपन हो, क्या हो गया, या तो शॉर्टिंग वजह हो सकता है या लाइन ओपन वजह हो सकता है कि वीपीएच लाइन वीपीएच वोल्टेज नहीं आ रहा, वीपीएच वोल्टेज नहीं, लाइन ओपन हो गया लाइट नहीं, हो सकता है डिस्प्ले के अंदर ये जो लाइट एलईडी लगा हुआ है वो ओपन, तो कुछ भी अगर एनोड और कैथोड लाइन में ओपन हो जाता है तो कहीं लाइट नहीं आएगा। अगर हम लगाए लाइट नया डिस्प्ले लगाए भी लाइट नहीं आया
तो हम क्या करते हैं, लाइट पोल सेट करके और लाइट सेक्शन को हम एहसास करते हैं छू करके कि कहीं हिट तो नहीं हो रहा। अगर कहीं हिट दिखाई दे रहा है कि हिट हो रहा है तो 100% आपके मोबाइल लाइट सेक्शन में ही शॉर्टिंग, और शॉर्टिंग है तो इसके जितना भी एनपीसी लगा हो, नन पोलराइज कैपेसिटर लगा होगा, उसको अगर हम चेक करके चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कहीं हिट नहीं हो रहा है, डिस्प्ले लगा है, डिस्प्ले भी नहीं आ रहा, हिट भी नहीं हो रहा है, तो 100% आपका इसमें सीरीज कंपोनेंट्स ओपन। तो सीरीज कंपोनेंट्स यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा सीरीज, नॉर्मल कॉइल, बूस्ट कॉइल, डायोड, क्या है ये सब सीरीज लगा हुआ, ये सब क्या लगा हुआ सीरीज। इस सिर्फ 1, 2, 3 को चेक करना, अगर यह VPH आ रहा है तो 4.2 यहाँ मिलेगा, अगर ये लाइन कट जाएगा तो 4.2 बैटरी लगाते ही नहीं मिलेगा। जब सेट को हम ऑन करते हैं, जब सेट को ऑन करते हैं डिस्प्ले लगा करके, तो इससे ये एनेबल सिग्नल सेंस करता है कि हमें डिस्प्ले लग चुका है, और ये स्विचिंग करके वोल्टेज को बढ़ाने का अगर एनेबल सिग्नल मिला, ये स्विचिंग करके एनेबल सिग्नल जब ये आएगा इस सेट को मिलेगा एनेबल पे, ये आईसी स्विचिंग करके ऑन हो जाएगा, और बूस्ट कॉइल, बूस्ट वोल्टेज और डायोड, रेक्टिफायर डायोड है, ये वोल्टेज को इधर अप कर देगा, बढ़ा देगा, और 15 से 18 से 20 से 25 वोल्ट आपको ऑन करते ही ग्राउंड से जब चेक करेंगे कि एनोड लेड पर अगर मिलता है तो आपका लाइट आईसी पूर्ण रूप से ओके। अगर स्विचिंग देने के बाद भी यहाँ पर 4.2 ही वोल्ट मिलता है तो 2 वोल्ट आपके मोबाइल के अंदर है, या तो एनेबल सिग्नल नहीं जा रहा है, क्या नहीं मिला, या तो एनेबल सिग्नल 1.8 का वोल्टेज नहीं मिल रहा है, या बूस्ट को बूस्ट कॉइल बूस्ट वोल्टेज नहीं बना, इसलिए आईसी कभी स्विचिंग नहीं करेगा। इस स्विचिंग कॉइल को अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये आईसी स्विचिंग कभी नहीं करेगा, समझे। कैसे चेक किए हम लोग, जब ओपन होगा तो सीरीज कंपोनेंट्स, जब शॉर्ट होगा तो पैरेलल कंपोनेंट्स। पैरेलल कंपोनेंट्स है क्या, 50 वोल्ट का कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये सब क्या वोल्टेज लाइन में इसी लगा हुआ, इस लाइन में लगा होता है वोल्टेज लाइन, और इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग सही है खराब है, तो हम क्या करेंगे चेक करने के लिए, यहाँ पर FR रीडिंग क्या लगे, इस कैपेसिटर का FR रीडिंग लगे, FR रीडिंग इसका वेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेल होना चाहिए, या 1000 से ऊपर होना चाहिए। अगर 1000 से ऊपर है तो ये लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं। अगर यहाँ पर 1000 से नीचे 700, 600, 800, 900 है तो इस लाइन में लीकेज है। अगर ये जो लीकेज बताएगा कि इस लाइन का इधर से ये जो कैपेसिटर है इस तरफ चेक करेंगे तो ये कैपेसिटर सब का लीकेज बताएगा। अगर डायोड का इस पार में चेक करेंगे तो इसका लीकेज बताएगा। अगर यहाँ पर लीकेज एनोड लाइन बता रहा है कि इधर कोई दिक्कत नहीं, इस कैपेसिटर को सिर्फ चेंज करना होगा जो 50 वोल्ट का कैपेसिटर। कहां से लगाएंगे, लाइट सेक्शन से लगाएंगे। बूस्ट कॉइल कहां से लगाएंगे, लाइट सेक्शन से लगाएंगे। जब भी लगाएंगे ये 10 हेनरी का है, 10 हेनरी का ही लगाना पड़ेगा, और लगभग 10 हेनरी का लाइट सेक्शन में अदर कॉइल जो 6-8 का लगा होगा आईसी, उसमें 10 हेनरी का ही लगा होता है, कहीं से उठा करके हम बूस्ट कॉइल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये 1.8 का नहीं आया सिग्नल तब क्या, फिर भी नहीं लाइट देगा, क्या नहीं देगा, फिर भी लाइट नहीं देगा, ये एनेबल सिग्नल नहीं आएगा, फिर भी लाइट नहीं देगा। इसको चाहिए तो चाहिए वोल्ट, जो वोल्ट की जरूरत है वो चाहिए। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा क्यों दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्यों रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जब हम कोई भी मोबाइल को स्लीप मोड में जाता है, ध्यान दीजिए, जब मोबाइल को ऑन किया तो लाइट आया, और जब इसको टीपे तो क्या हो गया, स्लीप मोड में चला गया, ये अभी स्लीप मोड में, तब क्या करेगा, ये रजिस्टर जो है सारा वोल्ट को ग्राउंड कर देगा, क्या कर देगा, सारा वोल्ट को ये ग्राउंड कर देगा, और वहां पर वोल्टेज बचेगा ही नहीं तो लाइट नहीं रहेगा, नहीं तो आप यहाँ ऑफ कर दे तो लाइट रहेगा, समझ लो। तो सबका अलग अलग काम है, इसको ग्राउंड वोल्टेज चाहिए, समझ रहे, इसको फीडबैक ग्राउंड भी चाहिए और फीडबैक पॉजिटिव ये चाहिए,
जब यह डिस्प्ले लगाएंगे इनपुट करेंगे तब ये सिग्नल बनेगा, जब तक नहीं लगाएंगे तो वो सिग्नल बनेगा भी नहीं, ध्यान देंगे। तो ये सिग्नल को ध्यान रखना, एनेबल सिग्नल 1.8, रीसेट 1.8, ये 4.2, और जब ऑन करेंगे तो 15 वोल्ट से लेकर के 20 से 40 वोल्ट तक यहाँ बनेगा। जब जैसे जैसे हम लाइट सेक्शन का ऊपर में बढ़ाएंगे लाइट को डिस्प्ले से, उतना वोल्टेज यहाँ पर बढ़ के आएगा, यह वोल्टेज बढ़ते चला जाएगा, समझ रहे? कोई दिक्कत इसमें? इसको हम प्रैक्टिकली रूप से हम आप लोग को इस चीज को ट्रेस करके चेक करके बता दिया जाएगा।